हे गाइस, यूपीएस टेक्नोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोलर के बारे में। काफी दिन से हम वीडियो कंट्रोलर के ऊपर नहीं लेके आए हैं, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कंट्रोलर में एम्पियर कैसे बढ़ाएं। तो चलिए हम स्टार्ट। कंट्रोलर में हम पीक करंट को कैसे बढ़ाएं, पीक करंट होता क्या है? जब भी नॉर्मली रिक्शा स्टार्ट होता है तो जो सबसे पहला वो करंट रिक्शा स्टार्टिंग में लेता है उसको कहते हैं पीक करंट। तो उस पीक करंट को बढ़ाएं कैसे, कैसे कम करें, वो सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो हमारी वीडियो एंड तक देखिएगा। तो देखिए, ये कंट्रोलर हमारे पास है जो कि 24 मॉस्फेट का कंट्रोलर है। ये मॉस्फेट है, इसमें एक तरफ 12 मॉस्फेट होते हैं और एक तरफ 12 मॉस्फेट होते हैं। कैपेसिटर इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कैपेसिटर लगे हैं, 80 वोल्ट के कैपेसिटर लगे हैं। तो ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन हमारा स्टैटिक एरिया होता है, ठीक है। इससे ही 5 वोल्ट की सप्लाई, स्टेप डाउन कन्वर्टर लगा हुआ होता है यहाँ पे, जो कि 5 वोल्ट की सप्लाई इसको देता है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि एम्पियर कैसे हम बढ़ाते हैं और कैसे कम करते हैं, पीक करंट को कैसे बढ़ाएं और कैसे कम करें। पीक करंट से हमारी एवरेज भी मेंटेन होती है। अगर कंट्रोलर, अगर आपका रिक्शा हाई पीक करंट ले रहा है तो आपकी बैटरी की माइलेज कम होगी, कि रिक्शा एवरेज कम देगा। तो यही, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 4 वायर दिख रहे हैं आपको, इसी से हम कंट्रोलर में एम्पियर सेट करते हैं, ठीक है। अगर हमको कंट्रोलर का हाई एम्पियर करना है तो हम इसमें सोल्डिंग कर देंगे, जैसे कि इसमें हो रखा है, ठीक है। और अगर हमको एम्पियर कम करना है तो इसको हम इस वायर को बीच में से कट कर देंगे तो एम्पियर आपका कम हो जाएगा। तो यही जो 4 वायर हैं इनसे हम एम्पियर सेट करते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि कंट्रोलर में कौन से सेक्शन से हम एम्पियर बढ़ाते हैं, वो जो 4 वायर हैं उन्हीं के ऊपर ध्यान देना है। उन पे अगर हम सोल्डिंग कर देते हैं तो एम्पियर बढ़ जाता है, अगर सोल्डिंग हटा देते हैं तो एम्पियर कम हो जाता है। तो हम किसी भी कंट्रोलर का एम्पियर सेट कर सकते हैं इजिली से। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमारे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।